आपके साथ एक घटना घटी, आप आंगनबाड़ी सहायिका है, क्या घटी, कार्यकर्ता है, क्या हुआ है कल? वो मेरे साथ मारपीट किया है रवि प्रकाश गुप्ता। मैं अपने आंगनवाड़ी के अंदर थी और अपना काम कर रही थी, दलिया वितरण के लिए व्यवस्था कर रही थी। इतराही लोग नहीं पहुंच पाए थे, मेरे साथ 3 कार्यकर्ताएं भी थी। वो अपना कुछ कागजे लेने आई थी, वहीं बैठकर सोचे कि बना लेते हैं यहीं, तो वो लोग भी थी और वो आया। उसके बाद वो मेरा मोबाइल छीना झपटी के लिए इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला उसको, तो मेरा बैग लेकर फाड़ दिया वो पैर से कचर कर। उसके बाद मेरे को कुर्सी से धकेला, उसके बाद फिर वही जानवरों टाइप मारपीट करने लगा मेरे से। मेरे से वो जो कार्यकर्ताएं थी वो बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं माना, किसी के नहीं सुना। क्या मनसा थी ये सबके पीछे उसकी? वो मेरे से जबरदस्ती कर रहा था, मतलब मैं उनसे बात बात कुछ नहीं करना चाहती थी। वो मेरे से हमेशा टॉर्चर करता था और मैं कभी उस मतलब पास नहीं आना चाहती थी, मतलब दूर ही रहना चाहती थी उससे। और वो मेरे से हमेशा ज़बरदस्ती किया। और कुछ दिन पहले की घटना है, नवरात्रि में जब मैं अपने फैमिली के साथ जा रही थी दुर्गा देखने के लिए, तो घर से 100 मीटर की दूरी पर ही वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश किया, बल्कि पकड़ा भी। मेरी फैमिली भी थी साथ में, उनके सामने ये सब किया। उसके कुछ ही दिन बाद ये घटना मेरे साथ कर ही दिया। वो क्या आपके साथ बलात्कार करना चाहता था? जी, आंगनबाड़ी भी इसी नियत से आया था। वो आंगनबाड़ी इसी नियत से आया था और मेरा हाथ पकड़कर खींचा, और मैं जब विरोध करने की कोशिश की, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो मेरे से मारपीट करने लगा वो। कहां, और बहुत घटिया तरीके से मारपीट किया। कहां, कहां मेरे चेहरे पर चोट आई, मेरे पूरे शरीर पर वो मारा, वो पैर से भी मारा मुझे, बहुत गंदे तरीके से मारा मुझे, दीवार पर भी धकेल धकेल कर मारा, बहुत बेरहमी से मारा। आप मेरी कार्यकर्ताएं थी जो मेरी फ्रेंड लोग, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। पर कितने देर तक ये सब करता रहा, कितने घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट? वो कम से कम 10 मिनट तक ये सब करते मारता रहा, हाँ मारता रहा। और वो लोग छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। वो लेडीज थी और थोड़ा सा डर भी रही थी, और कोशिश तो बहुत की अपने तरफ से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। ये जो लड़का है, ये क्या पहले भी आपके साथ ऐसी हरकतें किया है? हाँ किया है, कई बार किया है सर, पर मैं कभी पुलिस में नहीं आई ना कुछ भी की, वही सामाजिक समझौता करते रहे, लेकिन समाज मुझे आज साथ नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइए, इसलिए मुझे पुलिस में जाना जब पड़ा। जब 10-15 मिनट तक आपको मारा, तो मारने के बाद आप बची कैसे? फिर क्या पुलिस आई, आप थाने गई, क्या हुआ? हाँ पुलिस आई। आपने फोन किया? हाँ मैंने फोन किया। किसको फोन किया? 112 में मैं कॉल की, उसके बाद CDPO सर का कॉल आया, मैं उनसे बात की, वो कुछ ही देर में आए। तब वो फिर भागा उनको देख के? नहीं हाँ। उससे पहले ही वो मेरे को मारकर भाग चुका था, चला गया था। तो मतलब आप जब आपको मारा गया तब आप सरकारी काम कर रही थी? हाँ मैं सरकारी काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? मैं दलिया वितरण करने की व्यवस्था करके कुर्सी में बैठकर अपना कागज, जो महिलाएं आई थी कार्यकर्ताएं, वो कागज जो बना रही थी, मैं भी अपना वही देयक बना रही थी। ठीक। जी।